बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बीते लंबे समय से लगातार चर्चा में है। रिलीज से पहले जहां फिल्म और एक्टर इसके विरोध के चलते सुर्खियों में थे, तो वहीं रिलीज के बाद अपने खराब प्रदर्शन के कारण फिल्म का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। भारी विरोध झेल रही इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था। ऐसे में उतनी कमाई नहीं पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म के खराब प्रदर्शन के कारण लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की करियर की एक और बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म के खराब प्रदर्शन की वजह से फिल्म के मेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में अब फिल्म के मेकर्स के पास कमाई का अभी एक और जरिया बाकी है। सिनेमाघरों के बाद अब यह फिल्म जल्द ही OTT पर रिलीज होने वाली है। बीते कई समय से फिल्म के डिजिटल रिलीज को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। साथ ही यह भी जानकारी सामने आई थी कि फिल्म दिवाली के आसपास OTT पर रिलीज की जाएगी। इसी बीच अब फिल्म के OTT रिलीज को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 20 अक्टूबर को OTT पर रिलीज की जाएगी। जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं, वह इसे 20 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। यानी कि थिएटर पर रिलीज होने के बाद 2 महीने बाद अब यह फिल्म OTT पर भी मौजूद होगी। फिल्म की बातें करें तो 180 करोड़ के बजट से बनी यह लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक इस फिल्म में आमिर के अलावा अभिनेत्री करीना कपूर, मोना सिंह और साउथ एक्टर नागा चैतन्य भी नजर आए थे। इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट्स में बताइए।